मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, विंग्स ऑफ स्पीच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब आपको बताने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो है वर्ल्ड साइट डे। और ये कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं, इसका क्या पर्पस है मनाने का, ये हम आपको बताएंगे। और प्लस ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, UPSC और SSC किसी भी आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हेल्थ एंड केयर के कंसेप्ट में से आपको ये सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स मीन्स या कभी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और फर्दर किसी एग्जामिनेशन की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC है या फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो उनमें ये टॉपिक पूछा जा सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो वर्ल्ड साइट डे है वो बेसिकली इस साल 14 अक्टूबर 2021 को सेलिब्रेट किया गया था। एंड मेनली जो ये डे है वर्ल्ड साइट डे, सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर हर मतलब 2021 टू 2020 किसी भी साल में ये दिन सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है। कौन से मंथ के? अक्टूबर के। ओके, सो इस साल में जो हमारा सेकेंड थर्सडे आया था अक्टूबर में, वो 14 अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट किया था। एंड इट इज़ ग्लोबली ऑब्जर्व ऑन दी सेकेंड थर्सडे ऑफ दी अक्टूबर। और ये थ्रू दी ग्लोबली, ये इसी तरह से नॉट इन इंडिया बट ग्लोबली भी यही ऑब्जर्व किया जाता है कि सेकेंड थर्सडे को ही हम लोग वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट करते हैं। द डे एम टू स्टॉप लाइट्स ग्लोबल अटेंशन ऑन द विजन इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस। हमारा एम बस इतना ही होता है कि जो लोग हैं वो इन लोग का अटेंशन बढ़े किस तरफ, विजन इम्प्रूवमेंट एंड ब्लाइंडनेस की तरफ। और अबाउट द वर्ल्ड साइट डे, तो ये है क्या बेसिकली? द वर्ल्ड साइट डे इज़ अ बोथ अ कॉल ऑफ एक्शन एंड अ ड्राइव फॉर अवेयरनेस कन्विंसिंग विजन केयर अराउंड द ग्लोब। वर्ल्ड साइट डे का सेलिब्रेशन करने का बस यही मतलब है हमारा, एक जो मीनिंग निकलता है कि लोग जो ब्लाइंडनेस हैं, जो हमारी आई से प्रोटेक्शन है और जो एक्शन जो हम लोग कर रहे हैं उन सब पे हम लोग एक अवेयरनेस रखें कि हमारे विजन पे क्या ये इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता है और हम इसकी कैसे केयर करें, ठीक है। सेकेंड, प्रिवेंशन टू डिजीज हेल्प टू रिड्यूस ब्लाइंडनेस एंड विजन इम्प्रूवमेंट। बियॉन्ड प्रिवेंशन वर्ल्ड साइट डे सीक्स टू इम्प्रूव रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सेस टू केयर फॉर दोज हु नीड सर्विस। And it was originally started in year 2000 by the site, the first campaign of Lion Clubs International Foundation। ये campaign याद रखिएगा, UPSC exam से बहुत ज़्यादा important है। आपको पूछा जा सकता है कि World Side Day कब पहली बार मनाया गया था, तो 2000 के अंदर हमने first यहाँ पे first Lions Club International Foundation है, इन्होंने एक first campaign किया था और उसके बाद से फिर हम लोगों ने वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, सेकेंड, सिग्निफिकेंस ऑफ दैट डे, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है क्या इम्पोर्टेंस है इस डे को मनाने के लिए। सो फर्स्ट हम देखते हैं, दिस डे इज सिग्निफिकेंट बिकॉज देयर आर मोर देन मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हु कैन नॉट सी प्रॉपरली एज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू ग्लासेस आउट ऑफ दैम। 1 मिलियन पीपल आर सफरिंग विद द प्रिवेंटेबल विजन इम्पेयरमेंट। मतलब है कि इस डे को मनाने का हमारा मेन रीज़न क्या है, यहाँ दुनिया मतलब 1 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि वो लोग देख नहीं सकते हैं और उनकी आंखें ऐसे भी नहीं कि ठीक नहीं हो सकती है, ठीक हो सकती है बट फर्दर रीज़न की वजह से वो लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और इसका मतलब हमारे उनकी आईज़ का ध्यान नहीं दे पाते हैं मेडिकली एंड और बहुत सारे इसके पीछे रीज़न है जिसकी वजह से आज हमें ये डे मनाना पड़ रहा है, क्योंकि अवेयरनेस हमें फैलानी है लोगों के बीच में कि हमारी आई का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, पुअर और लॉस आई साइड लीव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट, एक्टिविटी, स्कूल, वर्क, डेली रूटीन एंड इंटरेक्टिंग विद द कम्युनिटी। सो जैसे 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 ऑब्वियसली अगर हमारा साइट अगर हम इतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे तो इसका इफेक्ट पड़ता ही हमारे डेली रूटीन के ऊपर, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, वर्क, डेली लाइफ और हर चीज़ के ऊपर। कि अगर हम अच्छे से नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाएंगे और वो इफेक्ट हमारे
हमारे डेली रूटीन पर दिखेगा है। और 2021 का जो थीम था इस डे को सेलिब्रेट करने का, वो यही था, लव योर आईज। एंड आई होप कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट आप समझ आया होगा। एंड ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोग लेके चलेंगे, तो आई होप यूपीएससी के हिसाब से भी, और जो भी आप सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे डिफेंस हो, चाहे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।